आज भी आप मैदानों में खड़े होकर कहते हो पहचानना हो तो कपड़ों से पहचान हो। अरे क्या कपड़ों से पहचाना जाता है, मुसलमानों के किरदार से तू पहचान, मुसलमान के किरदार से तू पहचान। और मैं आपसे ये बात अक्सर भी जा रहा हूँ, जब अंग्रेजों ने दोनों को कैद किया तो कैद करके लाकर उन्होंने खड़ा किया और उन दरख्त के सामने उन्होंने ये अहद और पैमान लिया, ये दोनों ऐसे हैं, यानी नाम क्या था बहादुर राम प्रसाद और दूसरों का नाम क्या था काजी अमीर अली, ये दोनों को लाकर बेड़ियों में डालकर खड़ा किया गया और कहने लगे तारीख गवाह है इनको ऐसी सजा दी जाए कि तारीख हमेशा याद रखे। कहते कि फंदा लटकाया गया, दोनों को उस फंदे पे लटकाया गया, तारीख आज भी गवाह है कि ये मुल्क मुसलमानों का नहीं बल्कि ये मुल्क किसी ईसाइयों का नहीं, ये मुल्क किसी सिख का नहीं, ये मुल्क किसी दलित का नहीं बल्कि ये मुल्क किसी आदि किसी किसी सिख और सिख मजहब का नहीं बल्कि ये मुल्क ये भारत जो है ये सबका है। इसकी मिसाल अयोध्या की तारीख है और अयोध्या की तारीख में जब उसने फंदा लटकाया था गर्दनें दो थी और फंदा एक था, इससे बड़ी एक जाति की मिसाल हिंदुस्तान में कोई नहीं होता है। ये है हमारा भारत, मगर आज उन्होंने नफरतों में बांट दिया। मैं कहता हूँ तमाम आने वाली बहनों से, जितने भी आपके करीब के गैर मजहबी है उनसे ये कहो कि मुसलमान जितना आपसे मोहब्बत करता है अपने बेटे से भी उतनी मोहब्बत करता है, जितना अपनी बेटी से इसी तरीके से उठे रहे, इसी तरीके से खड़े रहना है, आखिरी तक लड़ना है जब तक कि ये काला खातून खत्म ना हो जाए, क्योंकि वक्त नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें जितनी बातें कही गई इसमें भी अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। आमीन। एक है लड़ाई से क्या मिलेगी, जीत मिलेगी, तो लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे तो जीतेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी मुसलमान अपने दीन का सौदा करने के लिए इंसान की जान का कोई भरोसा नहीं, हर किसी तैयार नहीं हो सकता, तो इसके लिए